छोटी सी वीडियो डालूंगा आपके लिए, स्पेशली जो कहते हैं स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे मैं सप्लीमेंट की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा, मतलब हज़ारों सप्लीमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं और ये चीज़ें कहती हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टैमिना बढ़ जाएगा। बिल्कुल वो सच कहती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो गलत कह रही हैं, पर मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल देसी चीज़ बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देनी है। मैं स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा देर जिम भी लगा पाओगे और बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा लिफ्ट भी कर पाओगे। कुछ चीज़ें हैं जो, ठीक है, जैसे हो गया शहद, ठीक है, देसी शहद होना चाहिए। अब ये प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले हुए जो मार्केट से जो नकली टाइप के मिलते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं हमारी, हमारे देश की, भारत देश की, जो अच्छी बनाती हैं, अच्छे हानी बनाती है प्योर फॉर्म में, तो वो आप ले सकते हैं। वो आपने खुद चूज़ करनी है कौन सी ब्रांड आपको बढ़िया लगती है, ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है। और देसी हो अगर गांव से अगर मिल जाए तो हनी शहद बहुत ही बढ़िया आपको स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। दूसरी चीज़ लहसुन जो होता है, ठीक है, उसको भी फूड में ऐड करना। अब देखो वैसे स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि लहसुन वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर वहाँ अगर हम बॉडी बिल्डिंग की और स्ट्रेंथ स्टेमिना की बात करें तो लहसुन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, इवन टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी डेट्स, जिसको बोलते हैं ना खजूर, बहुत ज़्यादा अगर प्री वर्कआउट में भी आप उसको लेते हो ना, मतलब प्री वर्कआउट में, मतलब जैसे प्री वर्कआउट के मील में 15-20 मिनट में, क्योंकि वो उसका जो शुगर है नेचुरल शुगर है पहली बात तो, ठीक है, तो वो आपको एनर्जी देता रहेगा ड्यूरिंग द जिम भी, ठीक है। इवन आप उसको पोस्ट वर्कआउट के उसमें शुगर वगैरह नहीं ऐड करना चाहते, कोई जो मतलब कि जो नकली सी शुगर आती है, चीनी आती है, वो नहीं ऐड करनी, तो ये आप नेचुरल इसको ऐड कर सकते हैं, पोस्ट में भी कर सकते हैं, प्री में भी कर सकते हैं। प्री वर्कआउट का काम भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया करता है अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करो। बहुत सुपर फूड है, मैंने खुद यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं कहीं से बोल दिया कहीं से, ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं। ये तीन चीज़ें होगी और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हो, जो गुड़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और काले चने तो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये पांच है सुपर फूड है, चाहे आप सभी को ऐड कर सकते हो, आज से ही कल से ही मॉर्निंग से शुरू कर दो। जो काले चने हैं उसको स्प्राउट्स में लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका स्टैमिना बहुत ज़बरदस्त बढ़ाएगी, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। साथ में टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट होगा ही, इवन आपको प्रोटीन भी मिलेगा यहाँ से, जैसे हमारे चिकपीज हो गए वहाँ से प्रोटीन वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। वीडियो को करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, 100K सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दें। लव यू, टेक केयर, बाय।